अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जो मैं आज आपको स्टोरी बताने वाली हूँ ना, उस स्टोरी को आप अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं पर रिलेट करोगे, क्योंकि वो वाला फेज ना आपकी लाइफ में कभी ना कभी आया होगा। और अगर नहीं आया है ना, तो अल्लाह ना करे आपकी लाइफ में वो वाला फेज आए। हमारी लाइफ में ना कभी वो वाला फेज आता है कि हम थोड़े थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, डिसअपॉइंट होते चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उस पॉइंट में ना हमें ये लगता है कि जो हमारे अपने हैं ना, वो भी हमारे अपने नहीं है। पर ऐसा नहीं होता, वो बस हम ज्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हैं। चलिए मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है, जब से मैंने सूरह अल बकरा और अस्तगफार करना स्टार्ट किया है, मैंने बहुत सुधार देखे हैं मेरे अंदर। मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। मैं पहले बहुत नेगेटिव रहती थी और डिप्रेसिव सा रहती थी और बस खोई खोई रहती थी। और अगर कोई मुझसे बात भी करता था तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी। मुझे छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन होती थी और घबराहट होने लगती थी। पर अल्लाह का शुक्र है, मैं अब बहुत शांत हो गई हूँ और हर चीज़ को मैं बहुत शांति से हैंडल करती हूँ और बहुत सुकून में रहती हूँ। मेरा डिप्रेशन जैसे चला ही गया है। थैंक यू सो मच इस सजेशन के लिए। मैं बहुत टाइम से डिप्रेशन में थी। कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जिनको मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती, पर अल्लाह का शुक्र है अब वो भी सब ठीक होती जा रही हैं। अब मुझे थोड़ी भी फिक्र नहीं होती, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। और तो और, मैं इस सब की वजह से पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देती थी। अब मेरी पढ़ाई पर भी पूरा कंसंट्रेट कर पा रही हूँ और अपने हर काम में 100% दे रही हूँ। मुझे अब फील होने लगा है, जब से मैं अस्तगफार कर रही हूँ और सूरह अल बकरा पढ़ रही हूँ, तब से मेरी जान पहचान के लोग मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं। जब मेरा हार्डशिप वाला फेज चल रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि सब रिश्ते दिखावे के हैं। मुझे पहले सच में ऐसा लगता था वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते। पर काफ़ी टाइम से मैं बिहेवियर को नोटिस कर रही हूँ तो सभी लोग मुझे इज्जत देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी काम मेरे बन रहे हैं और मेरे हक में चल रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है आप ही कि मेरा किसी चीज़ का खाने का मन करता है और उसके बारे में मैं किसी से बताती भी नहीं हूँ, पर अल्लाह पाक किसी ना किसी के थ्रू मुझे वही चीज़ दे ही देते हैं। आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। अस्तगफार वाली चीज़ हम इग्नोर करते हैं, पर आपने ये बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है हम लोगों की स्टोरीज़ हमें बताने का, जिससे हमें एक दूसरे की स्टोरी से मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफार करते हैं। थैंक यू सो मच आपी। थैंक यू सो बहुत बार सो लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच आपी। आपको नहीं मालूम कि मुझे कितना सुकून है। मेरा डिप्रेशन मानो जैसे ख़त्म ही हो गया है। आपको पता है, मैंने इसके लिए 4 से 5 थेरेपी सेशंस भी लिए हैं डॉक्टर्स से और कुछ दिन मेरी मेडिसिंस भी चली हैं। पर अल्लाह का शुक्र है, आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट और अस्तगफार की एडवाइस की वजह से सच में मुझे एक सुकून वाली लाइफ मिल गई है। मुझे अब लगता है जैसे मैं अल्लाह के बहुत करीब हो गई हूँ। जितना थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आपको भी, और जो भी स्टोरीज़ को देख रहे हैं, अल्लाह उनकी सभी परेशानी को दूर कर दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मैं सबसे कहूँगी कि आप यकीन के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जब आप अपने गुनाह की तौबा सच्चे दिल से करोगे तो सब आपके हक में अल्लाह खुद कर देगा। वाकई आपने बहुत प्यारी बात बोली है कि जब हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, सच्चे दिल से मांगते हैं, तो अल्लाह वो करता है जो हम चाहते हैं, जो हमारे हक में बेहतर होता है। आपने सुना है ना, कितनी ज़्यादा प्यारी स्टोरी थी ये। अल्लाह ताला ने इस्तगफार में ना आपकी एंजाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, इन सब का सॉल्यूशन दिया हुआ है। इन सब का क्योर है इस्तगफार में। और इस्तगफार का जिक्र तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया हुआ है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट डूइंग इस्तगफार एज मच एज वी कैन।